नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुलताई सहित संपूर्ण जिले में मनाया गया भुजलिया पर्व। मुलताई में सार्वजनिक नवदुर्गा अखाड़े में खिलाड़ियों ने किया हैरतअंगेज प्रदर्शन। मुलताई में कल 23 अगस्त दिन सोमवार को सार्वजनिक नवदुर्गा अखाड़े द्वारा भुजलिया पर्व पर हैरतअंगेज प्रदर्शन किया गया। मुलताई SDM IAS हरसिमरनप्रीत कौर के निर्देशों का पालन करते हुए नवदुर्गा अखाड़े के खिलाड़ियों द्वारा जहां मास्क पहने गए, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष रूप से पालन किया गया। इस दौरान नवदुर्गा अखाड़े के संचालक श्री राकेश पटेल एडवोकेट के मार्गदर्शन और ताप्ती अर्जुन मीडिया प्रमुख ब्लैक बेल्ट डॉन मृत्युंजय पटेल और ताप्ती अर्जुन मीडिया के एंकर सूर्या पटेल ब्लैक बेल्ट के जूडो कराटे के खिलाड़ियों द्वारा विशेष रूप से प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि नवदुर्गा अखाड़े में प्रतिवर्ष विशेष रूप से लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जूडो कराटे का आकर्षक प्रदर्शन करके दूसरी लड़कियों को आत्मरक्षा हेतु प्रेरित करती हैं। बैतूल कोतवाली में ब्लू गैंग की महिलाओं ने TI मेरा भाई अभियान के अंतर्गत TI और SI को बांधी राखी। बैतूल पुलिस द्वारा चलाए जा रहे TI मेरे भाई अभियान के अंतर्गत कल रक्षाबंधन के एक दिन बाद ब्लू गैंग की महिलाएं कोतवाली थाने तकरीबन दोपहर 1 बजे पहुंची, जिसके बाद TI, SI और नगर रक्षा समिति सहित सभी पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लिया। बैतूल दारू के पैसे नहीं देने पर एक ऑटो चालक ने दूसरे के साथ की मारपीट, चोट आने पर पीड़ित ने की गंज थाने में शिकायत। मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैतूल रेलवे स्टेशन का है, जहां पर कल सुबह तकरीबन 11 बजे दो ऑटो चालक आपस में भिड़ गए, जिसमें सदर निवासी एक ऑटो चालक को दूसरे ऑटो चालक ने जमकर पीटा, जिसके बाद सर पर चोट आने के कारण पीड़ित तकरीबन 12 बजे गंज थाने पहुंचा और मारपीट करने वाले ऑटो चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आमला विधायक ने वीडियो किया जारी, आमजन से अपील, 25 और 26 अगस्त को लगवाए कोरोना वैक्सीन। आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने आगामी 25 और 26 अगस्त को आयोजित होने वाली बैतूल जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील की है। जिला मुख्यालय से एक वीडियो जारी करते हुए विधायक ने कहा कि जिस तरह प्रथम चरण में वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत उसे उत्सव की तरह मनाया गया, उसी तरह दूसरे चरण में भी इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए सभी आमजन अपनी सहयोगिता निभाएं, ताकि इसको सफल बनाया जा सके और महामारी के खिलाफ सभी लोग सशक्त रूप से खड़े हो सके, ताकि आगामी आने वाली तीसरी लहर को रोका जा सके। बैतूल शंकरवाड टेलीफोन कॉलोनी से देर रात चोरी हुई बुलेट, CCTV में कैद हुए 3 युवक। बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाने में कल शंकरवाड निवासी एक युवक ने उसकी बुलेट गाड़ी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। आवेदक उमाकांत मालवी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके काले कलर की बुलेट गाड़ी जो कि घर के सामने खड़ी थी, वह तकरीबन 11 बजे के आसपास चोरी हुई है। इस बुलेट की कीमत 1.25 लाख रुपये बताई जा रही है। उमाकांत मालवी ने बताया कि इस घटना की CCTV फुटेज उनके द्वारा पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें 3 युवकों द्वारा बुलेट को धकाकर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रभातपट्टन मासोद पुलिस चौकी में दूसरे दिन मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। प्रभातपट्टन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मासोद की पुलिस चौकी में ग्राम विकास समिति के माध्यम से कल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान नन्नी नन्नी छोटी बालिकाओं ने चौकी प्रभारी विजय माहौरे को रक्षा सूत्र बांधा। समिति के राहुल कटारे, सुमित साहू, अमित धोटे सहित ग्रामीण और अन्य लोगों की मौजूदगी में नन्नी नन्नी बालिकाओं ने जब चौकी प्रभारी को राखी बांधी, तो यह एक अविस्मरणीय पल रहा। बैतूल गोपीनाथपुर में जहरीला पदार्थ खाने के बाद युवक की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में हुई मौत। मामला चोपना थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर का है, जहां पर रवि राय नाम के एक युवक ने घरेलू विवाद के चलते 15 तारीख को
जहर पी लिया। जहर पीने के पश्चात परिजनों को इसकी जानकारी लगते हुए तत्काल ही उनके द्वारा घोड़डोंगरी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 17 तारीख को पाढ़र और फिर 18 तारीख को बैतूल के राठी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां गंभीर हालत में इलाज के दौरान कल सुबह तकरीबन 10 बजे युवक रवि राय की मौत हो गई। मौत होने के बाद जिला अस्पताल में पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बैतूल शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम में जैविक हाट बाजार हुआ प्रारंभ। बैतूल जिले में जैविक खेती और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमाणित कृषकों को जैविक उत्पादों के विक्रय हेतु शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम में जैविक हाट बाजार प्रारंभ किया गया। इस हाट बाजार के माध्यम से जैविक कृषि उत्पाद जैसे हरी सब्जियां, जैविक खाद, जैविक गुड़ एवं अन्य जैविक उत्पाद एक स्थान पर आम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इस हाट बाजार का शुभारंभ कल तकरीबन 11 बजे किया गया। इसके माध्यम से जैविक उत्पादन कृषकों को अपने उत्पादों के सही दाम भी मिल सकेंगे। बैतूल पाढ़र हॉस्पिटल से लापता हुए भर्ती बुजुर्ग का पारा नदी में मिला शव, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। मामला बैतूल के पाढ़र हॉस्पिटल का है, जहां पर 18 अगस्त को रामकिशोर दुर्वे की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वह पाढ़र अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन 19 अगस्त को भर्ती वृद्ध लापता हो गया, जिसके बाद पाढ़र चौकी में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 22 अगस्त को तकरीबन 3 बजे पारा नदी में बुजुर्ग रामकिशन दुर्वे का शव मिला है, जिसके बाद इसकी सूचना लगते ही तत्काल परिजनों से जानकारी जुटाई गई और परिजनों से शव की पहचान करवाई गई, जिसके बाद जिला अस्पताल में शव को लाकर पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बैतूल अज्ञात आवारा तत्वों ने सफाई कर्मचारियों की तोड़ी साइकिलें, निकाली हवा और पेट्रोल, गंज थाने पहुंचकर की गई शिकायत। घटना बैतूल में 22 अगस्त की रात तकरीबन 10 बजे की है, जहां पर नगरपालिका के सफाई कर्मी सड़कों की सफाई करते समय अपनी साइकिलें और मोटरसाइकिलें वहीं पर खड़ी करके सफाई करने के लिए निकल गए। शिवाजी चौक पर साइकिल और मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद साइकिलें तोड़ी गई और उनकी हवा निकाली गई। वहीं दो मोटरसाइकिलों के हवा निकालने के बाद उनका पेट्रोल भी निकाल लिया गया, जिसके बाद नगरपालिका के कर्मचारी थाने पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और आवारा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी। मुलताई क्षेत्र के मंदिर और सोने घरों में हो रही चोरियों का पुलिस ने किया खुलासा। पवित्र नगरी मुलताई में सोमवार को दोपहर तकरीबन 3:30 बजे थाना परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुलताई पुलिस द्वारा क्षेत्र के मंदिरों और सोने घरों में हो रही चोरियों का खुलासा किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी सुरेश सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 अगस्त को रात में 1 बजे पारेगांव रोड की तरफ एक संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए नजर आया, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उसने उसका नाम जोगिंदर पिता राजू निवासी पांडुरना बताया, जिसके संबंध में पांडुरना थाने से जानकारी लेने पर वह पांडुरना का निगरानी बदमाश होना पाया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर मुलताई क्षेत्र में कुल 5 स्थानों पर चोरी करना स्वीकार किया। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले को पंजीबद्ध कर लिया गया है और पुलिस द्वारा अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है। मुलताई ग्राम भैंसादंड में सांप के काटने से एक 4 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। पलंग पेटी पर सो रहा था बच्चा। मुलताई के ग्राम भैंसादंड में रविवार को शाम को पलंग पेटी पर अपने भाई अभय के साथ लेटे हुए निर्भय पिता रंपत ध्रुवे उम्र 4 वर्ष को सांप ने काट लिया, जिसके बाद सर्पदंश के चलते उसकी मौत हो गई। जानकारी अनुसार निर्भय के माता पिता दोनों खेत गए हुए थे, वहीं दोनों बच्चे घर की पलंग पेटी पर सो रहे थे। इस दौरान सांप ने निर्भय के पैर की उंगली पे काट लिया था। मुलताई ग्राम बरे निवासी 70 वर्षीय वृद्ध अज्ञात द्वारा खेत में लगी फसल खराब करने की शिकायत लेकर पहुंचा थाने। मुलताई के समीपस्थ ग्राम बरे में एक 70 वर्षीय वृद्ध माधवराव सोमवार को दोपहर में तकरीबन 2 बजे अज्ञात व्यक्ति के गौवंश द्वारा उनके मक्के की फसल को बर्बाद करने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे। वृद्ध ने जानकारी देते हुए बताया कि परसों देर रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके खेत में उनके गौवंश को छोड़ दिया, जिसके कारण लगभग 20,000 रुपये की उनकी फसल बर्बाद हो गई।
पुलिस द्वारा आवेदन लेकर मामले को जांच में लिया गया है। घोड़ा डोंगरी डीएसपी अजय गुप्ता बने रानीपुर के थाना प्रभारी। सोमवार को पदभार लेते ही छोटा महादेव भोपाली का किया निरीक्षण। बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद ने रानीपुर थाने की कमान डीएसपी अजय गुप्ता को सौंपी है। सोमवार को थाना प्रभारी का पदभार डीएसपी अजय गुप्ता ने ग्रहण किया और वह छोटा महादेव भोपाली पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने छोटा महादेव भोपाली का निरीक्षण भी किया। इस दौरान एसआई विजय सिंह ठाकुर, एएसआई अवधेश तिवारी सहित अर्जुन सिंह उपस्थित रहे। घोड़ाडोंगरी ओझाडाना में सोमवार को घर के पीछे अवैध शराब बेच रहे युवक को घोड़ाडोंगरी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 लीटर अवैध शराब करी जब्त। घोड़ाडोंगरी पुलिस ने सोमवार को शाम तकरीबन 7 बजे ओझाडाना में एक घर के पीछे अवैध शराब बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से 10 लीटर अवैध शराब जब्त की है। घोड़ाडोंगरी पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ओझाडाना में एक घर के पीछे अवैध शराब बेच रहे सुदामा इवने नाम के ओझाडाना के निवासी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। भैंसदेही नगर परिषद ने वार्ड वासियों की समस्या का किया समाधान। बिजली पोल पर लगाई एलईडी लाइट। सोमवार के दिन भैंसदेही नगर परिषद के वार्ड वासियों ने वार्ड क्रमांक 11 में बिजली के पोल पर एलईडी लगाने का कार्य किया है। वार्ड वासियों द्वारा एलईडी लगाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। भैंसदेही के नगर परिषद सीएमओ ने वार्ड वासियों की समस्या का समाधान करते हुए वार्ड क्रमांक 11 में एलईडी लाइट लगाने का आदेश जारी किया था। 8नेर नगर में मनाया गया भुजलिया पर्व। बड़ी संख्या में महिलाओं ने शहर का किया भ्रमण, सुख समृद्धि की करी कामना। 8नेर नगर में 23 अगस्त को शाम तकरीबन 5:30 बजे शहर की महिलाओं द्वारा भुजलिया लेकर भ्रमण किया गया। इस दौरान भुजलिया पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा शहर के प्रमुख देवी मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर और अन्य मंदिरों में पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना की गई। भुजलिया घाट पर सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर भुजलिया का विसर्जन भी किया। चिचोली गोधना के निकट खेत से घास काटकर वापस आ रहे किसान की बैलगाड़ी पलटी, हादसे में किसान हुआ घायल। चिचोली तहसील मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम गोधना के एक 70 वर्षीय किसान अपने खेत से घास काटकर वापस आ रहा था। इस दरमियान रास्ते में बैलगाड़ी पलट जाने से 70 वर्षीय वृद्ध को कमर में चोट आई है। घटना की जानकारी के बाद 108 की सहायता से बुजुर्ग को चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना 6:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। फिलहाल किसान का उपचार जारी है। आमला पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश। आमला में सोमवार को पुलिस द्वारा 2 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आमला पुलिस ने बैतूल से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी गोंडा के निवासी है और दोनों पर मारपीट के मामले चल रहे थे, जिसके बाद दोनों ही फरार थे। दोनों आरोपियों को कल गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में पेश किया गया। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।